What is up, मेरे भाई लोग। So welcome to the fresh episode of Vibe with a Fake Every Day, जहाँ पर हम साथ में बैठ के डेली गाने सुनते हैं, फाड़ वाले या लेटेस्ट गाने। So आज जो हम गाना साथ में सुनने वाले हैं, उसका नाम है कुड़ी बाय स्वालीना एंड एमी वे। बहुत टाइम से इस गाने का वेट हो रहा था एंड भाई इस गाने का आए हुए कुछ 9-10 घंटे हुए हैं एंड 9-10 घंटे में जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसके 4-5 लाख व्यूज कुछ हो गए हैं। यूट्यूब मोस्टली क्रैश हो गया है, 86,000 लाइक्स दिखा रहा है, 4,05,000 व्यूज दिखा रहा है एंड रात को 12 बजे वीडियो आया था। I have no idea, वीडियो सवेरे आता है जनरली गाने का, बट इन्होंने रात को 12 बजे निकाला। नमो स्टूडियो के ऊपर गाना आया है, एमी वे की एल्बम के बाद ये पहला गाना अपने को देखने को मिल रहा है। सो बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल सुनते हैं कुड़ी। सो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3-2-1 हियर वी गो। गौरव ग्रोवर एंड नमो स्टूडियो प्रेजेंट्स। ये बिल्कुल हीरो वाली एंट्री करते हुए बहुत ही सही एक तरीके से शुरू करा है। रेस की स्टार्ट का फ्लैग ऑफ करते हुए स्वालीना और सबसे आगे हमारे हीरो है ना, बिल्कुल वो शाहरुख खान वाइब्स आ रही है मेरे को। मूवी आई थी ना बाजीगर, उसमें ऐसी एक रेस दिखाते हैं तो वही दिखाया है कि नाइस नाइस नाइस। कंपीटिंग F9 में नंबर 1 पोजिशन पे मिस्टर एमी वे बंटा है। गुड शॉट, गुड कॉन्सेप्ट टू बी ऑनेस्ट। म्यूजिक बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है मेरे हिसाब से। एफ्रो वाइब का थोड़ा सा गाना बनाया है, एफ्रो एंड रेट्रो वेव को लेके, लेस सी सिंथ वेव बेसिकली, नॉट वेट रेट्रो वेव। जाने का था तुम दिन का, मिला खुद से था मैं गुम, मिला खुद से। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। जाने का था तुम दिन का, मिला खुद से था मैं गुम, मिला खुद से। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। जब से उड़ी है तू पीछे, तब से सोया हूँ मैं नहीं। नींद लौटा दे मेरी, लौटा दे। खोया खोया रहता था बस तेरी थी कमी। अभी देखो मैं शांति से गाना सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी गाना समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो, इसलिए मैं चुप होकर सुन रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मेरे को समझने का ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है गाने। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माय टाइम। अभी तक बीट ढंग से शुरू नहीं हुई है आई गेस, है ना। खोया रहता था बस तेरी थी कमी, बन जाएगी क्या तू मेरी। अब बनेगी क्या, हाँ कुड़ी पीछे गाय को मुड़ी। जब से तुझे देखा तब से नींद मेरी पूरी पूरी नहीं है, उनमें से ये छुरी नहीं है, डिसेंडेड है पूरी नहीं है। रिसेंटली मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, तू भी सोरी नहीं है क्यों। ओके ठीक है, तो देखो ओके। सो जो स्टार्टिंग हुई थी ना, उसमें मुझे एमी वे की जो आवाज थी वो खाली एमी वे की तरह साउंड करी थी, लेकिन जो उनका स्टाइल है एमी वे का, ठीक है, जो एमी वे का जो स्लैंग है या फिर जो उनका केडेंस है बेसिकली, वो साउंड नहीं कर रहा था। इट वॉज साउंडिंग लाइक कि कोई भी आर्टिस्ट है ना वैसा करके साउंड कर रहा था। लेकिन हाँ, अब जो स्विच आया वो स्विच में एमी वे है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए करा है ताकि वो जो पहला वाला पार्ट है ना, उससे सब लोग रिलेट करें, जो एमी वे की जनता नहीं है वो भी रिलेट करें। मासी सॉन्ग बनाना है, लेबल के ऊपर सॉन्ग आया है एमी वे का, पहला गाना आया है लेबल के ऊपर, है ना। और उसके बाद जब एमी वे अभी रैप करना शुरू करे तो ही इज एमी वे ब्रो, तो एमी वे अपनी जनता के लिए भी तो बनाएंगे ना, तो एमी वे का अपना खुद का तो स्टाइल है। देखो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव कि एमी वे किसी भी टाइप के गाने बना सकता है, ठीक है। वी हैव सीन हिम, वी नो क्या कहते हैं वैरायटी, है ना, जो एमी वे कर सकता है, वर्सटैलिटी कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के करा कि एक इंट्रो ऐसा बनाते हैं, है ना, जिससे बहुत सारी जनता कनेक्ट हो, उसके बाद जो अपनी प्रॉपर जनता है उसको अपने स्टाइल का रैप देंगे। सो सही है इंटेलिजेंट। हाँ कुड़ी पीछे गाय को मुड़ी, जब से तुझे देखा तब से नींद मेरी पूरी पूरी नहीं है, उनमें से ये छुरी नहीं है, डिसेंडेड है पूरी नहीं है। रिसेंटली मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, तू भी सोरी नहीं है क्यों। देखो भी यार ली है क्या फीलिंग क्या। डूड जस्ट टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द टीम जिसने इसका सेट बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब सेट लग रहा है, बहुत ही बढ़िया सेट लग रहा है एंड कलर्स एंड ऑल जो भी यूज करें बहुत ही इंटरनेशनल वाइब्स आ रही है। आई लाइक दिस म्यूजिक, आई लाइक दिस वीडियो, आई लाइक दिस वीडियो। जब से तुझे देखा तब से नींद मेरी पूरी पूरी नहीं है, उनमें से ये छुरी नहीं है, डिसेंडेड है पूरी नहीं है। रिसेंटली मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, तू भी सोरी नहीं है क्यों। देखो भी यार ली है क्या फीलिंग, प्यार कहाँ अब जाके समझ में आ रहा मीनिंग। हार्ट मेरा स्ट्रीमिंग तेरे लिए, शायद
रहते को ही बनाया है ऊपर वाले ने मेरे लिए। प्यार हुआ मेरे को तेरे से अच्छा वाला, तेरे से वाइब मिलता मेरे को काफी अच्छा वाला। जिस चीज में घुस जाते उस चीज में जीत जाते है, उसी तरह प्यार में भी मचा डाला एक नंबर। तेरा प्यार जैसे वन वे, सब कुछ है सामने जो भी है मन में। देखो प्रॉपर पॉप सॉन्ग है, ठीक है, लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन आई यूज द वर्ड पॉप, है ना। इसको कमर्शियल बोल दो, कमर्शियल शब्द इंडिया में बहुत यूज होता है ना, तो कमर्शियल सॉन्ग है ना, तो उस टाइप की ऑडियंस के लिए बनाया था जो स्पॉटिफाई पे सुने, वाइब करे, है ना, मजे ले, रेडियो टाइप पे बजने वाला गाना, ठीक है, वैसा गाना जो मासी जनता से कनेक्ट हो वाली वाइब पूरी आ रही है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत मस्त लग रही है एंड वीडियो स्पेशली बहुत बढ़िया जा रहा है। एक नंबर। तेरा प्यार जैसे वन वे, सब कुछ सामने जो भी है मन में। दिल करे टेक ऑफ जैसे कोई रन में, तू भी कह दे आज जो भी छुपा तेरे मन में। जाने काते तुम, मिला खुद से था मैं गुम। अब तू छोड़ के ना जा, अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। जाने काते तुम, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं स्वालीना का रैप कुछ पार्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाने में, क्योंकि अभी तक स्वालीना ने कुछ गाया नहीं है, मुझे लग रहा था कि वो भी गाएंगे। लेट्स सी। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। जाने काते तुम, मिला खुद से था मैं गुम। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। अब तू छोड़ के ना जा, ना जा। जब से मुड़ गया तू पीछे, तब से सोया हूँ मैं नहीं। नींद लौटा दे मेरी, लौटा दे। ये वाली जो आवाज है ना एमीवे की, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। बिलीव है ना जो गाना आया था उनका, है ना, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक ये वाली आवाज सुनी थी। जो एमीवे का ये वाला स्टाइल है, हल्का सा ऑटो ट्यून है ना, और मुझे वो मस्त लगती है, और यहाँ पे वो यूज करे तो यस आई कैन फील कि हाँ बढ़िया जा रहा है गाना, सही जा रहा है। एंड स्टाइलिस्ट जो भी है, वेरी गुड जॉब है ना, दे आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर है ना। एंड इनको एमीवे को देख के तो स्पेशली मुझे फील आ रही है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट है कोई, है ना। सेट है ना, स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग ऑन पॉइंट। आई लाइक दिस वन, मतलब आई लाइक द वीडियो अलॉट, है ना, बहुत बढ़िया। लाइक अगर मैं ये देखता हूँ ना कि एमीवे का किसी जैसा कि एमीवे ने बताया कि इनका किसी लेबल पे फर्स्ट टाइम गाना आ रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिनिमम मुझे इस लेवल का प्रोडक्शन चाहिए, है ना। क्योंकि अगर पहला गाना है एमीवे, वेरी हाइप्ड अप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट गिविंग सॉन्ग टू एन लेबल, तो मैं ये मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरे को मिल रहा है एंड आई लाइक इट। I like it. तेरी थी कमी, बन जाएगी क्या तू मेरी? हाँ कुड़ी, पीछे गाय को मुड़ी, जब से तुझे देखा। Video is good man. तब से दिन मेरी पूरी पूरी नहीं है, उनमें से ये छुरी नहीं है, डिसेंडर डब पूरी नहीं है, रिसेंटली मैं भी नोटिस कर रहा हूँ तू भी सोरी नहीं है, क्यों देखो भी यार ली है क्या फीलिंग, प्यार का आप जाके समझ में आ रहा मीनिंग, हार्ट मेरा स्ट्रीमिंग तेरे लिए, शायद देखो ये बना है ऊपर वाले ने मेरे लिए। म्यूजिक मस्त है, ऊपर वाले ने मेरे लिए, ऐसे कोई बनाया ऊपर वाले ने मेरे लिए, ऐसे कोई बनाया ऊपर वाले ने मेरे लिए। ऑल राइट। देखो म्यूजिक बहुत बढ़िया थी, ठीक है। के कुड़ी एमीवे एक स्वाली ना, ओके, डन। सो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस जो वो है इस गाने में स्वालीना भी गाएंगी, क्योंकि एक्स लिखा हुआ है, बट ठीक है एवन नहीं गाया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डुएट गाना होगा, अगर डुएट होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, है ना। बट ठीक है, सही लगा मेरे को गाना। मैं स्पीकर्स पर सुनना चाहूँगा, तब मुझे ये समझ आएगा कि गाने का बेस कैसा एक्ट कर रहा है, मुझे हेडफोन्स में उतना बेस नहीं समझ आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक लेवल के लिए जैसा गाना बनाना चाहिए था वैसा ही गाना बनाया, जैसी वाइब एक मासी वाइब देने थी, है ना, क्योंकि गाना लेबल के थ्रू आ रहा है वैसा भी दिया। इट्स नॉट आई डोंट नो व्हाई आई एम रिपीटिंग लेबल, इट्स अ नाइस सॉन्ग, इट्स अ प्रॉपर सॉन्ग, है ना, जैसा गाना मासी गाना एक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, उसी टाइप का ही गाना है ना। वीडियो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वीडियो टीम हैट्स ऑफ भाई, बहुत बढ़िया काम करा है ना। मतलब ज्यादा कैंडी फ्लॉस वीडियोस भी नहीं हुए, क्योंकि कुछ आजकल ऐसे गाने आते हैं ना, मैं उनके वीडियोस देखता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा गानों का, लेकिन मैं उनके वीडियोस देखता हूं, मुझे क्रिंज होता है कि भाई यार कितना पॉप कर रहा है यार कलर्स, और कितना ज्यादा बिल्कुल आंखों में चमक रहा है वैसा वीडियो, बट ये
वीडियो बहुत प्रॉपर था, बहुत सही था, मेरे को मस्त लगा. एवरीथिंग अबाउट द वीडियो वॉज जस्ट ऑसम. म्यूजिक भी आने की बहुत अच्छी थी, थोड़ी आफ्रो बीट को लेके, आफ्रो बीट एंड सिंथ वेव को साथ में लेके म्यूजिक बनाई थी. एंड एमईवी को जैसा इस गाने में एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे वैसा ही मिला है. मुझे अच्छी चीज ये लगी कि इट वॉज मोर अबाउट द गर्ल. ठीक है, इस गाने में लड़की के अलावा किसी दूसरी तीसरी चीज की कोई बात ही नहीं हुई है. ठीक है, गाने में कुछ भी ऐसा नहीं करने की कोशिश करी गई है जिससे should I repeat this? है ना, आज के दोबारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अल्कोहल नहीं थी, है ना, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, है ना. आजकल के जमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इट्स वेरी कॉमन नाउ, है ना, अल्कोहल और वल्गैरिटी. बट इस गाने में कोई भी नहीं थी. आई डोंट नो, इट वॉज एमईवी वाइब या क्या था कि इन्होंने तीसरी कोई चीज इंक्लूड नहीं करी, जिसकी वजह से मुझे गाना और अच्छा लगा. तुम लोग बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉन्ग? तो डू यू लाइक द सॉन्ग, या तुम्हारे हिसाब से हल्का था, या तुम्हारे हिसाब से बहुत बढ़िया था? जो भी मुझे कमेंट्स में बताओ. है ना, सवेरे का बज रहा है अभी 10, है ना, और गाने का आई विल जस्ट रिफ्रेश इट एंड आई विल सी कि 10 घंटे में यहाँ कितने व्यूज दिखा रहा है. इवन दो आई नो कि यूट्यूब तो अभी हो चुका है पूरा का पूरा जैम, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है सही व्यूज दिखा रहा है अभी यहाँ पे. अभी 4.25 लाख दिखा रहा है, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा ही हो गए होंगे. सो आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल सॉन्ग एंड आई थिंक स्पॉटिफाई पे ही मचाएगा एंड रेडियोज पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बचेगा. ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने सब कुछ कह दिया है. आप तुम लोग की बारी है. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, है ना, वहां पे देख लो मैं रील्स वील्स डाल रहा हूँ बढ़िया बढ़िया. एंड अगर म्यूजिक रिलेटेड तुम्हें कॉन्टेंट पसंद है तो इंस्टाग्राम पे आओ, वहां पे मैं और तगड़ा कॉन्टेंट डालता हूँ. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, इस वीडियो पसंद नहीं, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा. टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहो, अपने गाने को घड़िया म्यूजिक से दूर रखो एंड हैशटैग म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करो. अफेक.